हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मणिपुर के बहुत पॉपुलर दो डिशेस, सिंगजू और एरोम्बा। ये मेरे फैमिली के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने कई वीडियोस अपने चैनल पे पहले भी डाल चुका है, वो सब आप लोग बहुत प्यार से देखते रहते हैं। ये मैंने नारियल डाल के बनाती हूँ, लेकिन जो इंडिया से बाहर रहते हैं वहाँ गारी जलाना या फ्राई करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने बहुत आसानी का तरीका अपनाया है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे ये बनाया। इधर योंगचक नहीं मिलता है ना, लेकिन वैसे ही एक बीन्स इधर देखी है मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। 3-4 बीन्स लिया और 2 आलू लिया है, दोनों को छोटा काट के कुकर में डाल के 2 सीटी मारूंगी। आलू मैंने छोटा काट दिया है तो जल्दी पक जाएगा। 1/2 कप पानी डालेंगे, वो पकने के टाइम हम सिंगजू का तैयारी करेंगे। मैंने थोड़ा सा मूंगफली लिया है, उसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसको ठंडा करके दरदरा कूटना है। वैसे ही आप मटर को भी कर सकते हैं, फ्राई करके उसे दरदरा कूट लीजिए, वो भी अच्छा टेस्ट होता है। अभी ये फ्राई हो गया है, मैंने ये वायलेट कैबेज स्लाइस करके रखी है। आप ग्रीन कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, वायलेट कैबेज ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मूंगफली को भी छिलका निकाला, दरदरा कूट लेंगे। अभी ये सबको मिक्स करने का है। एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें डाल दीजिए कैबेज। ये चिल्ली फ्लेक्स का चटनी है। चिल्ली फ्लेक्स में थोड़ी सी विनेगर और थोड़ा नमक डाल के चटनी की तरह मैंने रखी है। ये तो कभी कभी चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं होने से आप सूखी मिर्ची को हल्का सा गर्म करके कूट के डाल दीजिएगा, वो भी अच्छा है। ये अच्छा से मिक्स हो गया है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून छोटी कटी हुई प्याज डालेंगे। उसके बाद ये स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन है और सफ़ेद है, वो भी छोटी सी कटी हुई है। थोड़ा सा धनिया पत्ते डालेंगे। ये मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए पेपरिका पाउडर डाला है, वो इधर का है। ये दरदरा कूटा हुआ मूंगफली है, ये मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं। ये हमारा गारी पाउडर है, जैसे रेडी टू ईट। ये मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये अभी सब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी हमने नमक नहीं डाला है ना, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, फिर अच्छा से मिक्स करेगा। अभी ये गारी का स्मेल बहुत अच्छा से आ रहा है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये एकदम ड्राई है, इसमें कोई लोग बेसन वगैरह फ्राई करके डालते हैं, मैंने नहीं डाला है, उसका ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए एकदम ड्राई है और देखने में भी बहुत सुंदर है। चलिए अभी रूम्बा बनाना शुरू करेगा। हमारा आलू और बीन्स पक गया है और ठंडा भी हो गया, उसमें मैंने थोड़ा नमक डाला और अच्छी तरह से इसे मैश करेगा हाथों से। कोई लोग मुझे पूछ रहा है ये हाथों से करना हाइजीनिक नहीं है वैसे, लेकिन ये मैंने हाथ अच्छी तरह से धो के करती हूँ। मुझे हाथों से ये मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है और मणिपुर में भी मैं बहुत लोगों को ऐसे ही देखी है। तो ये अच्छा से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम ये गारी पाउडर डालेंगे, ये 2 या 3 टेबलस्पून डालेंगे। ये मैंने कैसे बनाया देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको पहले मैंने धोया है। कोई लोग इसे बिना धो के करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा धो के ये बनाती हूँ। ये रोटी बनाने का तवा है, तवा का ऊपर मैंने ये गारी रखी है। अभी गैस ऑन करेंगे, उसके बाद लो फ्लेम में 3-4 मिनट इसको उलट पलट के पकाना है, तो एकदम ड्राई हो जाएगा। तवा ज़्यादा गर्म होने से ऑफ करके रखिए, ये अपने आप ड्राई हो जाएगा। ये किंग चिल्ली है हमारा उमरोख, इसमें से 6 मैं डालूँगी, और ये ड्राई किया हुआ गारी। थोड़ा नमक डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद ये पाउडर जैसा बन जाएगा। इसी तरह ये आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में अच्छा से ढक्कन लगा के रखिए और ये 3 महीना तक फ्रिज में रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये मैंने इंडिया से लाई है। अभी इसमें से 3 टेबलस्पून गारी पाउडर मैंने इसमें डाला है और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी बहुत अच्छा से मिक्स हो गए हैं।
सॉल्ट बराबर है क्या चेक करेंगे। उसके बाद जो छोटी कटी हुई प्याज डालेंगे, ये तो पाव कप प्याज है। स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, ये स्प्रिंग ऑनियन का बिना ये रुम्बा इतना टेस्टी नहीं होता है। ये छोटी कटी हुई धनिया है। अभी ये सब अच्छा से मिक्स हो गए हैं। पानी चाहिए तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा, थोड़ा लूज अच्छा लगता है। अभी बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, गरम गरम चावल के साथ खाएंगे सिंगचू और इरुम्बा। और अब खाने पे बैठी है अपना और उसके बेटा, बेटे को भी इरुम्बा खिला रहे हैं। और उसके साथ साथ चिली से आया बांगड़ा फिश करी है और केरला से आया आमला अचार, ये सब लेके आज अपना बहुत ही खुश है। आज जर्मनी में बैठ के ये सब खा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मदर्स कुकिंग लैब।